हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल IVME में। मैं आज बात करने जा रहा हूँ कुत्ता पागल क्यों हो जाता है, क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कुत्ता मनुष्य का एक वफादार दोस्त माना जाता है, लेकिन जब यह पागल हो जाता है तो इतना खतरनाक हो जाता है कि उसके द्वारा काटे गए किसी भी व्यक्ति को उचित इलाज ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कुत्ता पागल क्यों हो जाता है? दरअसल फ्रेंड्स, ये एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम है रेबीज। कुत्ता जब रेबीज नाम की बीमारी का शिकार हो जाता है तब वह पागल हो जाता है। यह रेबीज नाम का वायरस ज्यादातर हवा के द्वारा या किसी और जानवर के द्वारा कुत्ते की त्वचा के जख्म के ऊपर चिपक जाता है और रक्त के माध्यम से कुत्ते के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और कुत्ते के शरीर में प्रवेश करते ही 4 से 6 हफ्ते के अंदर अपना असर दिखाना शुरू करता है। इस दौरान कुत्ता सुस्त पड़ जाता है और उसे बुखार आने लगता है, और कुत्ते को खाने पीने में भी रुचि नहीं रहती है। जब यह वायरस कुत्ते के पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरे शरीर में फैलने के बाद कुत्ते के सिर की ओर हमला करता है, और कुत्ते के सिर में जब वह वायरस हमला करता है तो कुत्ता उत्तेजित होने लगता है और उसके मुंह से लार भी आने लगती है, और कुत्ते के उस लार में रेबीज वायरस भी होता है, और कुत्ते की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। वह गुर्राने लगता है, भौंकने लगता है और पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता है तो वह कुत्ता उस व्यक्ति को काट लेता है, और जब वह पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो उस कुत्ते के लार में मौजूद रेबीज वायरस उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। जैसे ही यह रेबीज वायरस मनुष्य के शरीर में पहुंचता है, मनुष्य को मानसिक कमजोरी और बेचैनी महसूस होने लगती है, उसे बुखार भी आने लगता है, वह व्यक्ति चिंतित रहने लगता है और उसे नींद भी नहीं आती और एक डर भी महसूस होने लगता है। गले की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और खाने पीने की चीजों को निगलने में तकलीफ होती है। हाँ, एक बात और, उस व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, इसलिए इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। उस व्यक्ति के अंदर बीमारी के लक्षण 1 माह से लेकर 3 माह के अंदर दिखाई देने लगते हैं। अगर कुत्ता व्यक्ति के गर्दन और सिर के आसपास काटता है तो यह लक्षण जल्द ही दिखाई देने लगते हैं। डॉक्टरों के अनुसार अगर पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो तुरंत काटे हुए स्थान को धोकर साफ करके उसमें दवा लगानी चाहिए और 3 दिन के भीतर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगानी चाहिए। साथ ही साथ उस कुत्ते पर भी नजर रखनी चाहिए जिस कुत्ते ने व्यक्ति को काटा है। अगर वह कुत्ता 5 दिन के अंदर ना मरे तो इलाज को रोक देना चाहिए, और अगर कुत्ता 5 दिन के अंदर मर जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यह रेबीज वायरस कुत्तों के अलावा लोमड़ी, भेड़िया, गीदड़, बिल्ली और चमगादड़ आदि पर भी आक्रमण करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।